एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पिछले 14 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर सत्ता में है और पिछले 14 साल के उनके कुशासन और भ्रष्टाचार ने एमसीडी का इतना बुरा हाल कर दिया कि आप लोग डेली न्यूज़ में देख रहे होंगे कि डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, नर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, ग्रुप ए बी सी डी के अधिकारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, सफाई नहीं हो पा रही है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर कुशासन और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अगर कोई सबूत ढूंढना हो, कोई ऐसा संस्थान, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि भ्रष्टाचार और कुशासन का दुनिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले 14 साल से शासित एमसीडी है। और उन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है, या तो उनकी नीयत नहीं ठीक है या जो भी रीज़न है, लेकिन उन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है कि अब तो एमसीडी के अंदर जो लोग काम कर रहे थे, जो लोग रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद हम सारे लोग जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो व्यक्ति होता है वो पूरी तरह से अपने पेंशन पे डिपेंडेंट होता है, उसके पास सेविंग नाम मात्र की होती है, ज़्यादातर सेविंग वो अपने बच्चों को पढ़ाने, बेटी की शादी, बेटे की शादी, एक घर बनवाने में सब कुछ खर्च कर चुका होता है। अब उसको ज़िंदगी बसर करने के लिए, ज़िंदगी गुजर करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है उसकी मंथली पेंशन। और भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा निकम्मी है, भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा कुशासन और भ्रष्टाचार और अहंकार में डूबी पड़ी हुई है कि पिछले 6 महीने से ऐसे बुज़ुर्ग जो कि दिल्ली के अंदर, ऐसे बुज़ुर्ग जो कि एमसीडी के अंदर काम करते थे, ऐसे बुज़ुर्गों को पिछले 6 महीने से उनकी पेंशन नहीं दी गई है। उसमें से बहुत सारे बुज़ुर्ग बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, जिनके पास कोई सेविंग नहीं है, और ऐसी संख्या लगभग 24,000 लोग ऐसे हैं जो कि पेंशन, जिनको पिछले कई कई महीनों से, 5-6 महीनों से उनको पेंशन नहीं मिली है। पेंशन ना मिलने से उनके हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं, बहुत बुरी स्थिति में हैं। और आप सिर्फ सोच सकते हैं, हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई बुज़ुर्ग माता पिता ज़रूर होंगे, और उनका सोचिए कि वो पूरी तरह से उस पेंशन पे डिपेंडेंट हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से उधार ले रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी सेविंग को तोड़ रहे हैं। और इस उम्र में सबसे ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम भी लोगों को आती है, तो ऐसे में वो बुज़ुर्ग अपना मेडिकली भी अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने उनको पिछले 6 महीने से उनका पेंशन तक नहीं दिया। ये जितने भी 24,000 पेंशनधारी लोग हैं, ये पिछले 1.5 महीने पहले ये कोर्ट में भी गए थे, और कोर्ट में इन्होंने अपनी बात रखी, और कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने नॉर्थ एमसीडी को खूब डांटा, खूब फटकारा, और उनको तुरंत कहा कि इनके पेंशन रिलीज किए जाएं। और ये ऑर्डर आज का, कल का नहीं, 21 सितंबर का ऑर्डर है। इस ऑर्डर को भी मेरा ख्याल है आए हुए लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया। 21 सितंबर को ये ऑर्डर आया था कि जितने भी पेंशन, जिनका पेंशन नहीं मिला उनकी पेंशन दे दी जाए, और नॉर्थ एमसीडी को उन्होंने डायरेक्ट किया था कि आप ये सारे के सारे पेंशन इनके तुरंत दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में इतनी इनसेंसिटिव हो चुकी है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें।
जो डॉक्टर नर्स को तो दे ही नहीं रहते, साथ ही साथ अब जो बुजुर्ग हैं जो पूरी तरह से पेंशन पे पूरी तरह से निर्भर हैं उनकी भी पेंशन नहीं दी जा रही, जबकि कोर्ट के कहने के बाद भी, कोर्ट के आदेश को आए भी अभी 1 महीने से ऊपर हो गया लेकिन इस कोर्ट के आदेश को भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की स्थिति नहीं हो सकती है। फरुख का